आइए बात करते हैं कमर्शियल पेपर की। तो जैसा कि इसका नाम है कमर्शियल पेपर, तो ये कमर्शियल पेपर जो मनी मार्केट है उसी का एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसमें आरबीआई का कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं होता है। इसमें अधिकतर जो ब्लू चिप कॉर्पोरेट होते हैं, जो अच्छी रेटिंग वाले होते हैं, वही लोग पार्टिसिपेट कर पाते हैं। उन लोगों के लिए अपने सरप्लस को कहीं पर यूज करने और किसी को बोरोविंग चाहिए तो वो बोरोविंग करने के लिए होता है। इसके जो फीचर्स हैं उसके फीचर्स में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो फीचर्स है उसका, ये सेवन डेज से वन ईयर तक के लिए होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको आप सब्सक्राइब करने के लिए 7 दिनों से 1 साल तक कर सकते हैं। और जो भी कॉर्पोरेट होते हैं, प्राइमरी डीलर्स होते हैं या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इसमें वो पार्टिसिपेट कर पाते हैं, अपना पैसा लगा पाते हैं। अगर इसके कुछ की पॉइंट और हम बात करें तो आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो भी कंपनी है वो बहुत अच्छी रेटिंग की होनी चाहिए, और वो रेटिंग एट प्रेजेंट जो है कंपनी की रेटिंग A3 होनी चाहिए। क्रिसिल की जो A3 की रेटिंग है उस रेटिंग को ये मानते हैं कि वो कॉर्पोरेट कमर्शियल पेपर को इश्यू कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें उसकी जो नेटवर्थ है वो 4 करोड़ जरूर होनी चाहिए। क्यों 4 करोड़ की नेटवर्थ का मतलब माना जाता है एक अच्छा कॉर्पोरेट है, उसने कोई ना कोई वर्किंग कैपिटल एडवांस उसने लिमिट ले रखी हो और वो लिमिट स्टैंडर्ड एसेट के रूप में उसकी चल रही हो, इससे पता लगता है कि उसको पैसे लेने की और देने की आदत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, अगर इसका जो मिनिमम होगा प्राइस वो होगा 5 लाख, और 5 लाख के साथ 5 लाख के मल्टीपल यानी 5 लाख 10 लाख 15 लाख इस अमाउंट में उसको इश्यू किया जाता है। और जितने कमर्शियल पेपर इश्यू होते हैं वो डीमेट फॉर्म में इश्यू होते हैं। डीमेट फॉर्म का मतलब है इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड होता है, लेकिन जो सर्टिफिकेट की अगर बात हुई तो इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट होते हैं। वो उसके खाते में तो इलेक्ट्रॉनिक चले जाएगा, लेकिन वो एक सर्टिफिकेट जो प्रोमिसरी नोट का होता है वो भी प्रोमिस करना पड़ता है किसको, जो फंड लेता है, जो कॉर्पोरेट फंड ले रहा है, वो जो इश्यू कर रहा है वो। और जो कमर्शियल पेपर है, अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो इसमें एक ये भी जरूरी है कि जो इश्यूएंस जो होता है एक आईपीओ की तरह होता है, और जो ये इश्यू लाया जाता है उस इश्यू लाने के विद इन 2 वीक आपको ये कमर्शियल पेपर पूरा जितना भी आप करना चाहते कर सकते हैं, उस 2 वीक के बाद नहीं कर सकते। सपोज कीजिए एक आदमी आज लेने आ गया, 1-2 दिन बाद लेने आ गया, 1-10 दिन बाद लेने आ, तो जो उसकी लास्ट डेट होगी वो एक कॉमन होगी। तो लास्ट डेट जिसे कहते हैं ना कि उसने ये निकाला 6 महीने का निकाला, तो 6 महीने का निकाला तो जिसने पहला दिन लिया वो तो 6 महीने होगा, दूसरे दिन वाले को 6 महीने में 1 दिन कम हो जाएगा, तीसरे वाले को 6 दिन में 3 दिन कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो एंड कट ऑफ डेट होती है वो उसकी कॉमन होती है, तब वो पूरा अमाउंट उसका उस तरह से बन पाता है। ठीक है, और ये जो है पूरा सिस्टम जो कमर्शियल पेपर का है एक इंस्ट्रूमेंट, उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी लिया गया है। थोड़ा सा ये लेस रिस्की होता है क्योंकि गुड क्वालिटी कॉर्पोरेट इसको इश्यू करते हैं। हाँ, रिस्की जरूर होता है, ऐसा नहीं कि रिस्की नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा लेस रिस्की होता है। सेकंड नंबर पे इसकी बात आती है। ठीक है, और जो भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उस जैसे मान लिया आपका डीमैट फॉर्म में जो भी इसको रख पाते हैं वहां पे आप अपना अकाउंट खोल के इसकी ट्रांजेक्शन के जो पूरे डिटेल्स होते हैं वो वहां पे आपके मेंटेन होंगे। और इनका जो इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल एडवांस से कम होता है, तो कई जो अच्छे कॉर्पोरेट हैं वर्किंग कैपिटल एडवांस ना लेकर के इसको लेते हैं। और क्योंकि ये बेसिकली पर्पज इसका क्या है, वर्किंग कैपिटल एडवांसेस को अवेलेबल कराना, किसी को वर्किंग कैपिटल की कमी पड़ रही है, अच्छा कॉर्पोरेट है तो वो इस तरह से वो फंडिंग को रेज कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो है जो इंटरबैंक मनी मार्केट होता है जैसे कॉल मनी वगैरह की बात कर रहे थे, उससे थोड़ा सा अच्छा रिटर्न देता है। तो लोग यहां पर अपना सरप्लस पैसा ला करके इसमें इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं। अगले पॉइंट में अगर हम आए तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो ओवर द काउंटर ट्रेड्स हैं वो T+0 या T+1 पर हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इसका जो सेटलमेंट है वो या तो सेम डे या नेक्स्ट डे इसका सेटलमेंट हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं बायबैक ऑफ सीपी, यानी अगर आपने सीपी कहीं इश्यू कर दिया और मैच्योरिटी से पहले उसे लेना चाहते हैं, जैसे अभी हमने बात की थी 6 महीने का इश्यू किया, तो वो अलाउड है। कोई बंदा अपना पैसा लेने आया है और आप उसे बिफोर मैच्योरिटी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट एक है,
कि ये जो सेकेंडरी मार्केट है उसके थ्रू वो सेल्स भी हो सकता है। प्राइमरी मार्केट में आपने सीपी ले लिया, आप सेकेंडरी मार्केट में अपने सीपी को जो भी प्रिवेलिंग रेट है उसके अकॉर्डिंग सेल कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि जो बिफोर मैच्योरिटी की जो ऑप्शन दे रहा है उसमें ये कंडीशन जरूर है कि कम से कम 7 दिनों तक तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो ये जो सारी बातें हमने बताई कमर्शियल पेपर की, ये अक्सर एग्जाम में इसमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछ लेता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया तो जरूर दबाइए, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन दबाएंगे। और अगर आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जिनको ये टॉपिक चाहिए तो उनको शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।